शिवपुरी जिले के नरवर शिक्षा विकास खंड में कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक के बच्चों को मंदिर परिसर में बैठाकर पढ़ाने का मामला सामने आया है। बता दें कि कंठेगरा में शासकीय प्राथमिक विद्यालय के नाम से दो स्कूल भवन बने हैं, इसके बावजूद भी शिक्षक 228 छात्र छात्राओं को लेकर मंदिर प्रांगण में बैठाकर पढ़ाई कराते हैं। वह जब इस विषय को लेकर जांच की गई तो पता चला कि पूर्व से बना हुआ एक स्कूल भवन तो जर्जर हो चुका है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2019 से बना हुआ नया भवन पिछले 3 साल से रास्ते का इंतजाम कर रहा है, लेकिन स्कूल तक जाने के लिए रास्ता आज तक नहीं मिला। ऐसे में स्कूली छात्रों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर स्कूल तक जाने के लिए जिम्मेदार कब तक रास्ता मुहैया कराएंगे। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। सर, इसके दो कारण है। नंबर एक, जो हमारा जो विद्यालय बना हुआ है वह 1965 का बना है, जो आज तक जर्जर हालत में स्थिति खराब हो चुकी है उसकी। और दूसरी बात, संख्या अधिक है और उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है और बच्चे इतना स्थान नहीं है, जगह नहीं है वहाँ पे बैठाने के लिए, तो फिर मंदिर प्रांगण में बैठाना पड़ता है। दूसरी, ये बिल्डिंग एक पीछे आपको दिख रही होगी, ये बनी हुई है लेकिन ये जर्जर है, कुछ तो गिर गई, कुछ गिरने वाली है, तो इसमें हम खुद नहीं घुस पाते या बच्चों को क्या अंदर ले जा सकते। सर, ये विद्यालय शासकीय प्राथमिक विद्यालय कठेंगरा है सर। पहले हम उधर पढ़ाते थे सर, अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उधर की हालत बहुत जर्जर है सर। एक कमरा है और लगभग 270 या 227 बच्चे दर्ज हैं, और इसमें सर माता बहुत अव्यवस्था होती है। लेकिन पहले जो सर बाउंड्री नहीं थी, तो बाउंड्री ना होते तो इधर उधर से लोग हम लोग आ जाते, बच्चे भी आते, और जब शासन द्वारा बाउंड्री करा दी गई तो रास्ते सब बंद हो गए हैं। और जो मेन गेट है इस विद्यालय का, वो खाते की जमीन है या मतलब जो भी है, वो असरा जी बच्चों ने बंद कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं आ पाते और हम वहाँ पे मंदिर प्रांगण में क्लास लगा रहे हैं सर। कठेंगरा प्राथमिक विद्यालय का भवन पूर्व में बन चुका है, परंतु रास्ते की समस्या होने के कारण बच्चे वहाँ स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस संबंध में पहले अवगत कराया जा चुका है राजस्व विभाग को भी इस संबंध में, परंतु अभी तक किसी निष्कर्ष पर पहुँचे नहीं है। वो कल ही मैं कठेंगरा का निरीक्षण करूँगा और जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत होकर राजस्व विभाग और जहाँ भी आवेदन देने से अपना काम हो सकता है, पुलिस विभाग में भी देकर यदि कोई अतिक्रमण है या अन्य कोई समस्या है तो उसको दुरुस्त कराने का शीघ्र प्रयास है।